नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका फटाफट 30 खबरों में। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश की प्रमुख खबरें। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदी गई, जो आईपीएल इतिहास में सबसे महंगी बोली थी। हालांकि एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका ने माना कि पंत की कीमत थोड़ी ज्यादा हो गई, लेकिन टीम के फैंस के लिए ये खुशी की बात थी। उत्तर प्रदेश के बरेली में जीपीएस की गड़बड़ी के कारण एक कार निर्माणाधीन पुल से नदी में गिर गई, जिससे दो सगे भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। कोहरे और जीपीएस द्वारा गलत दिशा दिखाने के कारण ये हादसा हुआ है, पुलिस जांच कर रही है। भारत सरकार ने राशन योजनाओं में बदलाव किए हैं, जिसमें राशन की मात्रा में संशोधन किया गया है। 1 जनवरी 2025 से राशन कार्ड धारकों के लिए ईकेवाईसी अनिवार्य होगी, नहीं करने पर राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। अंतिम तिथि 1 दिसंबर 2024 है। पर्थ टेस्ट में भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को 235 रन से जीत दिलाई है। बुमराह ने 8 विकेट लिए और मैन ऑफ द मैच बने। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे का भी जिक्र किया, जबकि यशस्वी जायसवाल की तारीफ की। रेलवे कंपनी RITS लिमिटेड द्वारा RVNL के शेयर 25 नवंबर को 11% तक पर है। RITS को लिबडिंग बरतपुर लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन का बड़ा ऑर्डर मिला, जबकि RVNL को ईस्टर्न रेलवे से 837 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। दोनों कंपनियों का शेयर मूल्य हाल के निचले स्तर से ऊपर उठे। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि संसद की संशोधन शक्ति प्रस्तावना तक फैली हुई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ये शब्द संविधान निर्माताओं की मूल दृष्टि के खिलाफ है, खारिज कर दिया। भारत सरकार की एजेंसी CERTIN ने एप्पल डिवाइस के यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की है, जिसमें 2 गंभीर खामियों की पहचान की गई है। इन खामियों का फायदा उठाकर हैकर्स डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। यूजर्स को सॉफ्टवेयर वर्जन अपडेट करने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर हिंदू मुस्लिम के बीच फूट डालने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने राज्य सरकार की आलोचना की और सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की अपील की है। हिंसा में 4 की मौत और कई घायल हुए। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही, जहां विपक्ष ने अडानी समूह के खिलाफ आरोप और उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा पर चर्चा की मांग की है। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने हंगामे को राजनीतिक स्वार्थ बताया है। कैंसर विशेषज्ञों ने नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी के कैंसर से ठीक होने के आहार आधारित दावे पर सवाल उठाए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन से होता है, न कि आहार और प्राकृतिक तत्वों से। सिलिकॉन वैली में भारतीय मूल के अमेरिकियों ने कनाडा और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों के खिलाफ रैली निकाली। नेताओं ने कनाडा और बांग्लादेश सरकारों से हिंदू सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की और खालिस्तानी आतंकवाद और इस्लामी आतंकवाद की निंदा की। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को व्यापारिक और OTP मैसेजों की ट्रेसेबिलिटी लागू करने का आदेश दिया है। इसके तहत जियो, एयरटेल, VI, BSNL में 1 दिसंबर से OTP मैसेजेस में देरी हो सकती है। ये कदम साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए किया है। भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। अगर कोई भारतीय व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है तो उसे भारतीय नागरिकता छोड़नी होती है। भारतीय नागरिकता पाने के लिए विवाह, 11 से 15 साल का भारत में रहना और धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे नियमों का पालन करना जरूरी है। एलन मस्क की स्टारलिंक ने डायरेक्ट टू कॉल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, जिससे मोबाइल टावरों की जरूरत खत्म हो सकती है। ये टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन की सीधे सैटेलाइट से जोड़ती है, खासकर ऐसे इलाकों में जहां नेटवर्क कवरेज नहीं है, और IoT डिवाइस को भी जोड़ सकती है। शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और सैफ अली खान की फिल्म कल हो ना हो 21 साल बाद सिनेमाघरों में फिर से रिलीज हुई और 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। दूसरे वीकेंड में फिल्म की कमाई में 30% की बढ़ोतरी हुई। दर्शकों का दिल अभी भी छू रही है। हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा ने कपिल शर्मा पर तंज कसा है और कहा है कि कपिल को हंसाने के लिए 4-5 लोगों की जरूरत पड़ती है, जबकि वे अकेले ही लोगों को हंसा सकते हैं। उन्होंने कपिल के शो से बुलावे को मना करने की वजह भी बताई। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी SEA ने सरकार से कच्चे पाम तेल और सोयाबीन सहित प्रमुख कृषि वस्तुओं पर वायदा कारोबार पर प्रतिबंध हटाने की मांग की है। SEA ने कहा है कि प्रतिबंध मूल्य जोखिम प्रबंधन में बाधा डाल रहा है और उद्योग को आर्थिक नुकसान हो रहा है।
बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि पटना में 19-20 दिसंबर को आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट सम्मेलन में अधिक निवेश प्रस्ताव मिलने की उम्मीद है। 2023 में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले थे और इस बार भी निवेश का आगमन होगा, जिससे बिहार के औद्योगिक युग की शुरुआत होगी। मुंबई और अन्य शहरों में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है, जिससे मुंबई में अब कीमत 77 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। हालांकि दिल्ली में चुनावों के चलते कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अमेजॉन इंडिया अपनी क्विक कॉमर्स सेवा तेज को इस साल के अंत या नए साल की शुरुआत में लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य ब्लिंकिट, जेप्टो और स्विगी इंस्टामार्ट जैसे दिग्गजों को प्रतिस्पर्धा देना है। 2030 तक क्विक कॉमर्स बाजार $25 से $55 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का नंदनी ब्रांड दिल्ली में दूध, दही और घी के साथ कदम रख चुका है। इसकी कम कीमतें और उच्च गुणवत्ता के चलते ही अमूल और मदर डेयरी के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा। नंदनी अगले 5 साल में कारोबार दोगुना करने की योजना बना रहा है। भारतीय तटरक्षक बल ने मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस और ड्राफ्टमैन पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार 15 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। पात्रता में संबंधित डिप्लोमा और अनुभव शामिल है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन देखें। भारत सरकार की पीएम श्री योजना के तहत पटना जिले के 575 स्कूलों को विशेष दर्जा मिलेगा। 5 दिसंबर तक आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएंगी। चयनित स्कूलों को विशेष फंड भी मिलेगा। आजकल कई करियर विकल्प हैं जिनके लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। इनमें एयर होस्टेस, कमर्शियल पायलट, ग्राफिक डिजाइनर, डिजिटल मार्केटिंग, मेकअप आर्टिस्ट, सेफ और सोशल मीडिया एक्सपर्ट जैसी नौकरियां शामिल हैं जो आकर्षक वेतन और विकास के अवसर प्रदान करती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को साइबर धोखाधड़ी के शिकार 55 वर्षीय व्यक्ति को 2.6 लाख रुपये, 9% ब्याज और 25,000 रुपये जुर्माना हर्जाना लौटाने का आदेश दिया है। बैंक की ढीली प्रतिक्रिया और सेवा में कमी को गंभीर मानते हुए अदालत ने इसे असंतोषजनक बताया है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की 5 दिवसीय नेपाल यात्रा सफल रही, जिसने दोनों देशों के रक्षा संबंधों को मजबूत किया। हालांकि नेपाल के गोरखा सैनिकों की भर्ती पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और नेपाल ने अग्निवीर योजना पर आपत्ति जताई है। जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बिहार की खराब स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि 2025 विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जीत हासिल करेगी। उन्होंने शराब प्रतिबंध हटाने और शिक्षा पर ध्यान देने का वादा किया। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसमें 4 की मौत और 20 घायल हुए। राहुल गांधी ने सरकार की जल्दबाजी और पक्षपाती कार्रवाई को दोषी ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप की अपील की और शांति की अपील की। फिनलैंड की रिसर्च में पाया गया कि खड़े रहने से ब्लड प्रेशर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे दिल और नर्सों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। ऑफिस में खड़े रहकर काम करने वालों में हाई बीपी का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए नियमित व्यायाम और संतुलित जीवन शैली की जरूरत है। हालांकि हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं। दिल्ली सरकार ने 80,000 बुजुर्गों के लिए नई वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की है, जिसमें 60 से 69 साल के बुजुर्गों को 2,000 रुपये और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 2,500 रुपये मासिक मिलेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना से 50 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। आप में से जिन लोगों ने हमें कॉमेंट किया था उनके नाम हैं परशुराम सिंह, सूरज कुमार, सुमित कुमार, सौरभ कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, नौशाद रजा, राकेश मिश्रा, गुलाब चंद। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।